नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी भी पेमेंट पे थोड़ा बहुत जितना अभी अवेलेबल कैशबैक है वो पा सकते हैं। अराउंड जो जो मैंने कैशबैक लिए हैं इस महीने में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किन किन एप्लीकेशन के माध्यम से आप कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर में या किसी बिल के पेमेंट में या मोबाइल रिचार्ज में, किसी भी प्रकार के पेमेंट में, मनी ट्रांसफ़र में, हर प्रकार के पेमेंट में आप कुछ ना कुछ कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल पे की तरफ। गूगल पे अपन को मनी ट्रांसफ़र या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या क्या ऑफ़र्स प्रोवाइड करा रहा है वो अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन गूगल पे में ऑफ़र्स में जाते हैं। अब गूगल पे हमें क्या दे रहा है? गूगल पे दे रहा है कि अप टू अर्न 501 रुपया मेक टू मोबाइल रिचार्ज ऑन गूगल पे लेटेस्ट 95, मतलब 98 रुपीज़, मतलब एक मोबाइल की वो होनी 98 रुपीज़ तो होनी ही चाहिए। इतने रुपए आपको मिलेंगे दो मोबाइल रिचार्ज करने हैं। अगर आप मान लो 200-150 रुपए की बैग रिचार्ज करते हो 300 रुपए के, तो 300 रुपए में से आपको 98 मतलब 100 रुपए तो आपको डजन राउंड फिगर में मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें सारे कैशबैक आपको दिखाऊंगा वन बाई वन करके जो आपको गूगल पे में मिलने वाले हैं। सेकेंड अपना है एन अप टू 1000 रुपीज़ बिल पेमेंट फॉर लिमिटेड टाइम एलिजिबिलिटी टू बिल एटलीस्ट 350, मतलब 350 रुपये से ज़्यादा का बिल होना चाहिए। 1000 रुपये तक आप रेंडमली कैशबैक ले सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट अपना है ये 415 DTH के पेमेंट पे है, मतलब हर प्रकार के आप इनको वन बाई वन करके पढ़ सकते हैं। जब भी आप भी कोई भी पेमेंट करें, आप एक बार इन एप्लीकेशन को खोल के इनके ऑफर चेक करें। अगर उसमें आपको कोई कैशबैक अच्छा मिल रहा है तो आप उस ऑफर को रिडीम करके वो कैशबैक लें, जिससे आपका थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगी। मैं आप मानेंगे नहीं, मंथली अराउंड 2-3 हज़ार रुपये आराम से आप लोग सेव कर सकते हैं अपने मतलब मंथ के ट्रांजेक्शन्स में। ये देखिए, वन बाई वन करके इनको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ऑफ़र कलेक्ट करना, जैसे ये ऑफ़र आपको लेना है मेक माई ट्रिप का, यहाँ से जाके बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें जो भी पेमेंट करना है, जैसे भी आपको करना है, यहाँ से आपको ट्रिप लेनी है तो यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ एक बार। ठीक है, फर्स्ट अपना गूगल पे का था, तो यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको मैं मेरे रिवॉर्ड्स दिखा दूँ गूगल पे के, 443 रुपये मैंने रिवॉर्ड लिया है इस महीने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि अपना है फ़ोनपे। फ़ोनपे में इतना ज़्यादा कैशबैक तो मिलता नहीं, बट कैशबैक मिलता है फ़ोनपे के अंदर। तो चलिए अपन फ़ोनपे के कैशबैक के अंदर एक बार एक नज़र देते हैं। यहाँ पे फ़ोनपे के जैसे अपन एंटर करेंगे, एंटर करके अपन आईडी बना लेंगे, उसके बाद में अपने सामने आएगा व्यू ऑल ऑफ़र्स। यहाँ पे अपन को सारे ऑफ़र्स मिलेंगे जो भी फ़ोनपे के ऑफ़र्स अभी करंट में रन हो रहे हैं। यहाँ ऊपर भी स्लाइड हो रखा है 100% कैशबैक, मतलब अपने एक फ्रेंड को अगर इन्वाइट करते हैं तो 100 रुपये कैशबैक अपन को मिलेगा। ये 1000 तक का कैशबैक मतलब ट्रांजेक्शन पे, गोल्ड पे भी दे रखा अपन को। ये अगर अपन जैसे बाइक सभी यूज़ करते हैं, व्हीकल सभी यूज़ करते हैं, व्हीकल में फ्यूल डलवाते टाइम अपन ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें भी अपन को कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहता है। तो इनके थ्रू स्विगी, अपन स्विगी बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। अगर स्विगी का भी अगर पेमेंट कर रहे हैं अपन तो इसके थ्रू करें, या अदर जिन भी जो भी एप्लीकेशन अपने पास हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उन एप्लीकेशन का यूज़ करके आप उनसे पेमेंट करें, जिससे आपको थोड़ा बहुत कैशबैक मिलेगा। ज़्यादा नहीं बोल रहा कि मैं आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा, आराम से 5% से 10% तक आपको कैशबैक मिल जाता है राउंड फिगर में, अगर अपना पेमेंट ठीक ठाक रहा तो। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आप सारे जो भी अपन को मतलब आपको कोई जैसे सावन को बाय करना है, सावन का पेमेंट करना है, या प्राइम मेंबरशिप लेनी है सावन की, तो यहाँ से अपन को 10% कैशबैक मिल रहा है। तो ऐसे अपन कोई भी पेमेंट करने से पहले एक बार इन एप्लीकेशन को ओपन करके एक बार चेक करें। ठीक है दोस्तों, कैटेगराइज भी कर सकते हैं, अपन को फूड में लेना है, फ्यूल में लेना है, ग्रोसरी में लेना है, हेल्थ एंड वॉलेट में लेना, जो भी अपन को लेना है, मनी ट्रांसफर में लेना है, रिचार्ज में लेना है, किस में लेना, यहाँ से आप फिल्टर करके उनको चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपना है अमेज़ोन, जो कि मतलब इतना ज़्यादा कैशबैक देता है कस्टमरों को, हद है जिसकी, हद तो नहीं बोल सकते, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं देता, बट लपसम अपन को अच्छा कैशबैक इसके थ्रू मिल जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके ऑफ़र्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ अमेज़ोन पे पे। अमेज़ोन पे पे जाने के बाद अपन को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है योर रिवॉर्ड, जो मेरे रिवॉर्ड्स हैं अभी मैंने सारा काम में ले लिया। यहाँ पे देखो, अपने पास रिवॉर्ड होम,
रिवॉर्ड होम के अंदर जो भी इसके अंदर ऑफर चल रहे हैं वो सारे ऑफर्स अपन को मिल जाएंगे। विन 100% कैश बैक ऑन फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अपन डे में अगर किसी को भी एक रुपये पर अगर भेज रहे हैं तो ये 100 रुपीज़ तक, मतलब आपको 99 रुपये 100 रुपये तक का कैशबैक ये देगा एक रुपया भेजने पर, ठीक है। नेक्स्ट अपना है ये है विन 100 रुपीज़ ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑन डेली, मतलब अपन एक मनी ट्रांसफ़र करते हैं, डेली रिवॉर्ड हैं ये सारे, डेली रिवॉर्ड्स हैं। इन डेली रिवॉर्ड्स को अपन रोज़ाना यूज़ करके, मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स हैं उनको मैं 1 रुपया अगर स्कैन करके भेज रहा हूँ, 1 रुपया मैं मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसमें अपन को 100 रुपीज़ तक कैशबैक मिलता है। स्टार्टिंग में आपको मतलब 27 रुपीज़, 50 रुपीज़, 99 रुपीज़ तक भी मिल सकता है, मुझे मिला हुआ है, मुझे 99 तो नहीं मिला हुआ, 49 रुपीज़ मिला हुआ है स्टार्टिंग में जब मैंने पेमेंट किया था फर्स्ट, जब मैंने इसकी आईडी बनाई थी उस टाइम पे मुझे 49 रुपीज़ मिले हुए हैं। तो यहाँ से आप डेली इनको यूज़ करके जैसे अपन बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये डेली रिवॉर्ड्स हैं, विन रिवॉर्ड्स अप टू 100 रुपीज़ ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब एक दिन में आप एक ऑर्डर तो अपना, मतलब जैसे मंथ में अपन 2-3 रिचार्ज तो मिल जाते हैं अपने फ्रेंड सर्किल के, घर के कोई भी, तो उस हिसाब से आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। मैं नहीं मानता अगर आप 200 रुपये का अगर रिचार्ज कर रहे हो उसमें आपको 100 रुपये के अंडर में अगर कैशबैक मिलता है आपको, तो मैं नहीं मानता कि ये गलत चीज़ है या ख़राब चीज़ है। यहाँ से आप इनका कैशबैक ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को कलेक्ट करना होगा इन ऑफर्स को, कलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कर सकते हैं या सीधे डायरेक्ट मेन स्टार्टअप में जाके वहाँ से आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। और भी ऑफर्स हैं यहाँ पे, मंथली ऑफर्स भी हैं, ये 50% कैशबैक है उसका बिल वगैरह का, मनी अमेज़न UPI पे अगर पेमेंट करते हैं तो उसका है, बिल पेमेंट का, ब्रॉडबैंड पेमेंट का है, ये ब्रॉडबैंड पेमेंट का है, इनको फिर पहले यहाँ से कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद ये लॉक हो जाएगा, लॉक होने के बाद आप कोई भी ब्रॉडबैंड पेमेंट करें या कुछ भी करें तो ये आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। और ये मतलब इतने, अगर आपको कोई मेडिशियन मंगानी है यहाँ से ऑफर कीजिए, 50% कैशबैक मिलेगा अप टू 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ से ज़्यादा अपन को मंगाना है, तो मतलब इतने कैशबैक इसके अंदर मिले हैं, आप ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मैं मेरा रिवॉर्ड दिखाता हूँ, मेरा एक महीने का रिवॉर्ड ये देखिए 1161 रुपये 9 अगस्त 2020 तक का अपना ये रिवॉर्ड है, ये मेरा मतलब 2020 में मैंने मतलब अभी स्टार्ट किया था, ये 830 रुपये मेरे इस महीने के रिवॉर्ड्स हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ पेमेंट नहीं किया, नॉर्मल कोई बिजली का बिल पेमेंट किया है या नॉर्मल मैंने पेमेंट्स किए हैं। तो यहाँ से आप इनको, अब इनको अगर यूज़ करना है, यहाँ से अपन ने क्लिक कर लिया होम के अंदर जाके, यहाँ से अपन इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे बिल पेमेंट करना है या किसी को पेमेंट करना है, स्कैन सेंड मनी करनी है, स्कैन पेमेंट करना है या रिवॉर्ड चेक करने, तो यहाँ से अपन इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको इन एप्लीकेशन के बारे में डिस्क्राइब्ड वीडियो चाहिए कि भाई कैसे इनको पेमेंट करें, कैसे अपन इसमें आईडी बनाएं, तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका एक डिस्क्राइब्ड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपना है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज भी कुछ ज़्यादा कैशबैक नहीं देता, पर ठीक ठाक है, एक बार अपन मतलब ले सकते हैं। अपने पास सारे कैशबैक अपने रिडीम कर लिए हैं, अमेज़ोन का कर लिया, फ़ोनपे का कर लिया, गूगल उसका पे का कर लिया, इन सभी का रिडीम करने के बाद में अपने पास कोई हथियार नहीं बचे, तो अपन लास्ट में इसको काम में ले सकते हैं। तो बेसिकली जैसे DTH का मैं अगर कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो 20 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिलेगा। कितने का पेमेंट, इसमें लिमिट है, आप खोल के इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने का लिमिट है, इसमें दिखा रखा, पूरा मेंशन कर रखा है 200 रुपये तक का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल अगर पेमेंट करते हैं तो ये 25 रुपीज़ का ये एक्चुअल में मिलता है, अपन ये नहीं मान सकते भाई मैं बता रहा हूँ तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको मेरी आईडी में माई ट्रांजेक्शन में भी लास्ट में मैंने आईडी बना के ये मैंने 1798 रुपीज़ का, मतलब 1798 रुपीज़ का एक पेमेंट किया था, ये मेरा फेल हो गया था। तो इसमें मुझे 25 रुपीज़, अगर मैं 201 रुपये का भी पेमेंट करता हूँ मुझे 25 रुपये कैशबैक मिल जाता, बट मेरा ज़्यादा बड़ा पेमेंट था तो मैंने ये पेमेंट किया। तो यहाँ से अपन इन मतलब जो भी अपने गैस का पेमेंट करना है अपन को, यहाँ पे मोर पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं इनमें, तो वाटर का पेमेंट करना है तो वाटर पे 50 रुपीज़ कैशबैक दे रखा है, तो ये सारे अपन कैशबैक इनसे ले सकते हैं फ्री चार्ज से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अपने अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, पेजअप भी मतलब नॉर्मल जो अपना बेसिकली पेमेंट होता है, बिल पे का पेमेंट होता है, और कोई बिल पे के अलावा कोई बिजली का बिल हो गया, रिचार्ज का हो गया, मेन तो यही होते हैं अपने, तो इनमें इनका अच्छा कैशबैक है, जैसे 5% रुपीज़ ये कैशबैक देता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसका ऊपर ही मेंशन होगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द ट्रेवल इंस्टेंट वाउचर, ये ट्रेवल से रिलेटेड है, तो यहाँ से आप देख क्लिक कर करके इनको देख सकते हैं। ये देखिए ये 50 रुपीज़ कैशबैक, अगर आप DTH का रिचार्ज करते हैं इसमें 50 रुपीज़ कैशबैक, तो ये मतलब फूड पे दे रखा है अधिकतर चीज़ों पर, ये आपका बिल पेमेंट का, बिल पेमेंट पे 5% कैशबैक आपको मिला है, और एक्चुअल में मिलता है, ऐसा नहीं कि भैया ये दिखा रखा है और मतलब नहीं मिलता होगा,
सारे ये कैशबैक्स आपको मिलेंगे। इसमें भी मतलब बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और मतलब अच्छा कैसे। इसका एक मेन यही प्रॉब्लम है कि भाई ये जो भी कैशबैक अलॉट होता है वो 10 दिन के अंडर ही अलॉट होता है अपना। जैसे 7 दिन भी ले लेता है, 8 दिन भी ले लेता है, 10 दिन भी ले लेता है, तो मैक्सिमम 10 दिन का रहता है। 10 दिन बाद में अपना जो भी कैशबैक रहता है वो अपना यहाँ से इसमें मिलता है। तो इसमें नॉर्मली आप आईडी बनानी है, आपका बैंक में जो अकाउंट है वो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी कैशबैक लेना है, जैसे रिचार्ज करना, तो इस पर क्लिक करके इसका ले लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद इसका जो इसमें अपन को ये मतलब प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड सेलेक्ट करके प्रोमो कोड जब भी अपन पेमेंट करेंगे तो ये प्रोमो कोड अपन को डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैंने प्रोमो कोड कॉपी कर लिया है। ये बिल पेमेंट करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल बिल पेमेंट करता हूँ, कोई भी देखता हूँ अगर कोई मिलता है। लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं अपन, ये देख रिसेंट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। रिसेंट में मेरा कोई नहीं दिखाएगा, एक सेकेंड मैं ये रिसेंट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। इसमें ये दिख रहा है, ये देखिए, ये मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था BSNL का, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अपन कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसमें ये प्रोमो कोड मांगेगा। प्रोमो कोड अपन को डाल के, यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मान लो ये डाल है, ये डालने के बाद में यहाँ पे जो कस्टमर नंबर डालना पड़ता है वो है नहीं मेरे पास। तो इसके आगे जैसे अपन कंफर्म करते हैं, कस्टमर नंबर डाल के अपनी डिटेल्स शो हो जाती है, उसके बाद में आपको प्रोमो कोड मांगता है कि प्रोमो कोड क्या है आपका। तो उसमें यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करके ये देखो ये लिखा हुआ यूज़ प्रोमो कोड रिचार्ज, ये रिचार्ज के लिए ये प्रोमो कोड है, तो ये आपको वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ही आपका 10% कैशबैक अलॉट होगा। तो अगर ये सारे अपने एप्लीकेशन हैं जो अपन एक कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अपन इनको यूज़ करके अच्छा कैशबैक ले सकते हैं। अगर कोई इश्यू रहे या कोई कैशबैक के संबंधित कुछ रिलेटेड आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें आपको अगर डिस्क्राइब्ड वीडियो चाहिए कि कैसे कैशबैक इनको हम आईडी बनाएं, कैसे हम इनको यूज़ करें, पेजअप है, पेजअप में कैसे आईडी बनती है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके अगर आपकी डिस्क्राइब्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिससे जो भी वीडियो जिसका भी आपको वीडियो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराऊँगा फ्री चार्ज या अमेजोन। बेसिकली आपको फर्स्ट में स्टेप बाई एक वो बना लेना है। देखो फर्स्ट मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देता हूँ कि किस में अच्छा कैशबैक मिलता है, मेरा ही वो शो कर रहा हूँ। फर्स्ट अपन अमेज़ॉन को यूज़ करेंगे, उसके बाद में पेजअप को करेंगे, पेजअप के बाद में अपन गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं या फ़ोनपे भी ट्राई कर सकते हैं, फ्री चार्ज भी ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को अमेज़ॉन में पेमेंट करना है। अमेज़ॉन में कोई शॉपिंग हो गई वो शॉपिंग्स वगैरह करनी है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे आप ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कैशबैक ले सकते हैं, किस प्रकार से आप इनको रिडीम कर सकते हैं।